दोस्तों आज हम ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करेंगे। देखिए हमारे एलईडी बल्ब में जो भी ड्राइवर सर्किट लगा रहता है मैं उसको निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करता हूँ। देखिए जो भी फॉल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे वोल्टेज चेक करना है, सबको दोस्तों आपको फाइंड करना बताता हूँ। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए जब भी आप ड्राइवर सर्किट रिपेयर करने चल रहे हैं, देखिए जब भी आप इस प्रकार से जो एलईडी ड्राइवर आता है इसको आप रिपेयर करें तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप दोस्तों एक सीरीज बोर्ड ले लीजिए। आपको दोस्तों सीरीज बोर्ड लेना जरूरी है। दोस्तों आप सीरीज बोर्ड लेने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वायर ले लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं वायर ले लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर में इस प्रकार से चिमटी लगा लिया हूँ दो। यहाँ आप देखिए जैसे कि मुझे चेक करने में कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर मैं चिमटी लगा लिया हूँ यहाँ पर दोस्तों। और इसके बाद देखिए इसमें एक प्लग लगा लिया हूँ, यहाँ पर देखिए प्लग है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों फ्यूज और स्टेंस पर यहाँ पर सप्लाई देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सप्लाई देने के बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर सप्लाई देने के बाद जो प्लग है इसको सीरीज बोर्ड में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं सीरीज बोर्ड में इंसर्ट करूँगा। आपको भी दोस्तों सीरीज बोर्ड में ही इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सीरीज बोर्ड में इसको लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेना है। और मल्टीमीटर को दोस्तों आपको सबसे पहले एसी वोल्ट पर सेट करना है यहाँ पर। अब देखिए एसी वोल्ट आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा आ रहा है कि नहीं। देखिए जो रेक्टिफायर होता है यहाँ पर हमारा यहाँ पर इनपुट होता है और यहाँ से हमारा डीसी आउटपुट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इनपुट कितना आ रहा है एसी, देखिए 213 14 15 जो भी हमारा आ रहा है इसी इनपुट आ रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक तो सही है। अब हम आउटपुट में क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टिफायर पर चेक करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम करके आपको क्लियर दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए हम एसी चेक करें तो एसी हमारा सही बता रहा है। देखिए अब हमको डीसी चेक करना है तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे 1000 के रेंज में सेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए डीसी वोल्ट, अब यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं। देखिए हमारा 200, देखिए 200 250 मिल रहा है, देखिए 250 जो कि दोस्तों हमारा करेक्ट है, इतना हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब देखिए हमको कहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के बाद हमारा जो माइनस पॉइंट है यहाँ से अगर हम ट्रैक करेंगे, देखिए यहाँ से अगर ट्रैक करते हैं तो माइनस हमारा यहाँ से डायरेक्ट रहता है यहाँ पर। तो माइनस आपको ध्यान देना कि डायरेक्ट रहता है, और जो मेरा प्लस पॉइंट रहता है देखिए प्लस क्या है कि हमारा आईसी से होते हुए जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ से हमारा यहाँ तक आ गया और आईसी हमारा इनपुट लेता है और आउटपुट करता है। तो जो दोस्तों हमारा आउटपुट करता है यहाँ पर, तो जो आउटपुट में वोल्टेज रहता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी आता है, यानी हमारा एक्यूरेट वोल्टेज नहीं आता है। तो वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए हमारे जो कैपेसिटर और इंडक्टर कॉइल लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ड्राइवर सर्किट फिल्टर होकर वोल्टेज आते हैं। यहाँ पर माइनस आता है तो प्लस हमारा फिल्टर होकर वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 67 68 आ रहा है। तो एक बार दोस्तों इसमें हम एमसीपीस भी लगा कर देखेंगे कि हमारा काम करेगा नहीं। वैसे इसमें 100 आना चाहिए, यानी 98 97 जो भी यहाँ पर 100 वोल्ट हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ सीरीज बोर्ड से दोस्तों। तो यहाँ से मैंने डिसकनेक्ट कर लिया और यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं, देखिए हल्का सा स्पार्क हुआ। तो यहाँ पर हम एमसीपीस भी लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस। वैसे हमारा 67 68 वोल्टेज में तो चलेगा नहीं क्योंकि दोस्तों उतना लो वोल्टेज में हमारा एमसीपीस भी नहीं जलता है। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया और देखिए हमारा जो एमसीपीस भी थोड़ा सा हमारा ब्लिंक हो रहा है, देखिए 20 वोल्ट हो गया। तो एमसीपीस भी आप देख सकते हैं नहीं जल रहा है। अब देखिए लो वोल्टेज जब बने तो आपको क्या करना है, देखिए मैं लो वोल्टेज का फॉल्ट फाइंडिंग बताऊंगा। जब भी आप लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है तो आपको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है। देखिए लो वोल्टेज तब बनता है जबकि हमारा यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी है तो खराब हो जाए, या तो हमारा कुआल खराब हो जाता है, या तो दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है वीक हो जाता है। तो ये तीन समस्या से हमारा
लो वोल्टेज बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइवर आईसी तो वैसे जल्दी खराब नहीं होता है, तो आपको इस छोटे वाले कैपेसिटर पर देखिए, सबसे पहले आपको कैपेसिटर बदल कर देखना है कि हमारा सही होता है कि नहीं। कैपेसिटर बदलने से पहले दोस्तों आप कॉइल को चेक कर लीजिए जो हमारा कॉइल लगा रहता है, क्योंकि दोस्तों कॉइल के ही थ्रू हमारा यहाँ पर आउटपुट होता है। कॉइल हमारा फिल्टर के लिए लगा रहता है तो आपको कॉइल चेक करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये इसमें हमारा तीन पॉइंट है, वैसे तो एक पॉइंट खाली रहता है यहाँ पर, ये वाला खाली है, तो देखिए ये वाला पॉइंट और इसको आपस में जोड़ दिया गया है और एक हमारा यहाँ पर है, यहाँ से इनपुट लेता है और हमारा यहाँ पर आउटपुट करता है। तो इस पर हमको बीप साउंड मिलना चाहिए। बीप साउंड कैसे मिलेगा, मल्टीमीटर को आपको बजर के रेंज में सेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने मल्टीमीटर को बजर के रेंज में सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रोब को हम आपस में टच करा रहे हैं तो बीप साउंड आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर हमारा बीप साउंड आना चाहिए कॉइल पर। देखिए दोस्तों हमारा जो कॉइल है वो नहीं बता रहा है, इसका मतलब फाइंड हो गया कि हमारा जो कॉइल है वो खराब हो गया। फिर भी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हमारा सही है तो आप वो एक छोटा सा वायर ले लीजिए। मैं दोस्तों छोटा सा सबसे पहले वायर लेता हूँ, आपको फॉल्ट फाइंडिंग दोस्तों आज कराऊंगा कि आप कैसे कैसे इसको फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक देखिए इस प्रकार से वायर ले लिया। अब इसको सबसे पहले मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट करता हूँ। देखिए हमारा MCPCB हल्का हल्का ब्लिंक करा है आपके सामने। अभी यहाँ से इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर हमको शॉर्ट कराना है, अगर हमारा सही रहेगा तो LED हमारा जलेगा। तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट करा कर कन्फर्म कर लेते हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर शॉर्ट करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा LED परफेक्ट तरीके से ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो कॉइल है वो ख़राब है। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर एक कॉइल को इंसर्ट कर लीजिए, यानी दूसरा कॉइल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉइल को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए रिमूव आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस भी फ्रेंड से उखाड़ना हो वहाँ पर आपको हल्का हल्का दोस्तों सबसे पहले सोल्डिंग कर देना है, इसके बाद यहाँ से इसको रिमूव करना है। देखिए इस प्रकार से रिमूव करेंगे और आसानी से दोस्तों हमारा जो कॉइल है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हमारा कॉइल रिमूव हो गया। अब एक बार दोस्तों इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारा जो वायर है वो टूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वायर दोस्तों हमारा अच्छे से लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला वायर तो ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वायर टूट गया है। तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रैच करके यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो इसको मैं दोस्तों सबसे पहले स्क्रैच करके एक बार सोल्डिंग ऐसे सोल्ड कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया, यहाँ पर जो कॉइल हमारा टूटा था यानी वायर टूटा था। तो एक बार इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अगर सही हो जाता है तो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा LED के अंदर। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, तो देखिए तो हमारा खाली है, यहाँ पर इसमें हमारा बीप साउंड आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो कॉइल है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, यानी हमारा जो खराबी था एक वायर इसमें से जो वाइंडिंग हुआ था वो टूट गया था। तो अब हम इसको इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसका जो होल है वो दोस्तों मैं साफ़ कर लेता हूँ, इसके बाद इसमें हम LED जो हमारा ड्राइवर सर्किट है इसमें हम कॉइल को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे तीनों होल अच्छे से साफ हो गए हैं। अभी यहाँ पर LED को इंसर्ट करते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कॉइल लगेगा। यहाँ पर देखिए इसके जो होल्स बने हैं इसको अंदर डाल देना है, और यहाँ पर अभी भी दोस्तों हमारा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर सोल्डिंग आयर से हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो रह जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है कि तीनों लेग पर अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको अच्छे से सोल्डिंग आयरन को जमा देना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों सबसे पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ,
तीनों लेग को अच्छे से, यहाँ पर आपको भी दोस्तों तीनों लेग को अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर लिया, अब यहाँ पर इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया और एक वायर हमारा यहाँ से छूट गया है, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि दोस्तों हमारा वर्क करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से चल रहा है यहाँ पर, तो हमारा जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा है। वोल्टेज एक बार दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 के रेंज में सेट किए हैं डीसी। अब देखिए यहाँ पर हमारा 25 वोल्ट आ रहा है। देखिए वोल्टेज हमारा मल्टीमीटर को एक बार ऑफ ऑन कर लेते हैं, अब एक बार चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए हमारा 25 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जो MCPC भी दोस्तों हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है यहाँ पर आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं। तो वोल्टेज कभी कभी दोस्तों नहीं बताता है, तो वोल्टेज पर मत जाइए, यहाँ पर जो MCPC पर ध्यान दीजिए, हमारा फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर ग्लो हो रहा है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको बिना MCPC कनेक्ट किए आप चेक करके आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी 67 आ रहा था उसमें। तो अब देख लेते हैं एक बार ये वोल्टेज कितना आता है। तो यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर दिए और इस वायर पर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारा वोल्टेज कितना आ गया, देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए 110 आ रहा है, यानी 100+ दोस्तों यहाँ पर हमारा वोल्टेज है जो कि करेक्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ड्राइवर सर्किट है वो रिपेयर हो गया। तो आपके भी दोस्तों ड्राइवर सर्किट से अगर लो वोल्टेज बने तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो इसके कैपेसिटर और हमारा कॉइल लगा है इस इन चीज़ों पर आप विशेषकर ध्यान दें। तो आप वो इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं डेट से डेट दोस्तों ड्राइवर सर्किट को। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हुई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।